मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। इसलिए वो सब लोग कबीले के लीडर के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो बात बात पर गुस्सा हो जाता था और उसका खुद के गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, इसलिए उसका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था। हालांकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बचपन में वो बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन जब वो एक बार अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए गया था तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया। तभी अचानक से जैक की सिस्टर पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, इसलिए उसके मॉम डैड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन लोगों पर भी अटैक कर देता है। हालांकि जैक के डैड उसका सामना करने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है, जिसे जैक वहीं पर छुपकर अपनी फैमिली को मरता हुआ देखता रहता है। इसीलिए वो हमेशा इतने गुस्से में रहता था। इस चीज के लिए वो एक डॉक्टर से थेरेपी भी ले रहा था, लेकिन अभी तक उसे इस चीज से कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद जैक क्लास लेने के लिए स्कूल पहुँच जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है की उसकी ईव नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और वो उसे अपने घर पर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसका प्रोफेसर जैक को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि उसे पता था कि जैक पार्ट टाइम प्लम्बर का काम करता है, इसलिए वो अपने घर में एक पाइप लीकेज के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे बोलता है और इस चीज के लिए जैक रेडी भी हो जाता है और पाइप को ठीक करने के लिए प्रोफेसर के घर पर पहुँच जाता है। फिर वो पाइप को ठीक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर रखे गैस टैंक में बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से घर के बाहर की जमीन फट जाती है और इस दौरान हमें वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी भी दिखाई देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक को भी चोट लग गई थी। फिर वो प्रोफेसर को बताता है कि आपके गैस टैंक का वॉल्व खराब हो चुका है, इसीलिए लीकेज हो रहा है। फिर यहाँ से जाने के टाइम प्रोफेसर जैक को वॉल्व खरीदने के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन जैक पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। फिर जैक के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के घर की जमीन पर वो दफन चीज चमक रही थी और वहाँ से धुआं भी निकलने लगता है, जो सो रहे प्रोफेसर के अंदर चला जाता है, जिससे वो किसी अजीब सी पावर से पजेस हो जाते हैं और घर का दरवाजा खुलकर बाहर पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर जैक थेरापिस्ट के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि मेरे गुस्से की वजह से दिन ब दिन मेरी लाइफ खराब होती जा रही है। हालांकि डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं जल्दी तुम्हारा इलाज करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें खुद भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम प्रोफेसर को देखते है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है की उसके दोनों हाथ मिट्टी से सने हुए है, क्योंकि वो जमीन में गड्ढा कर रहे थे। हालांकि इस दौरान वो अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में थे, फिर भी वो जमीन के अंदर खोदना चालू रखता है और उस बॉक्स को वो अपनी गाड़ी की हेल्प से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर से उसे एक कंकाल मिलता है जिसमें एक दिल भी रखा हुआ था, जो उस प्रोफेसर के छूने से रुक रुक कर धड़कने लगता है। इसके बाद प्रोफेसर पूरी तरह से पजेस हो जाता है और उस दिल को भी खा जाता है। फिर हम जैक को देखते है जो उस वॉल्व को खरीदने के लिए एक हार्डवेयर की शॉप पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो शॉपकीपर उस वॉल्व को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है की ये बहुत ही ज्यादा पुराना है और तुम्हें ये कहाँ से मिला है, जिस पर जैक उसे प्रोफेसर के घर के बारे में बताता है और ये बात से शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम उस घर के आसपास भी नहीं जाना, क्योंकि वो घर शापित है। फिर वो शॉपकीपर जैक को उस घर की स्टोरी जानने के लिए अगले दिन आने के लिए बोलता है, जिसके बाद में उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसकी आँख खुलती है तो वो अपना फ्रिज खोलकर किसी जानवर की तरह खाना खाने लगता है। फिर जब वो क्लास में पहुँचता है तो वहाँ पर भी वो खाते हुए ही पहुँचता है, जिस दौरान उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। इसके बाद में जैक की गर्लफ्रेंड ईव को दिखाया जाता है, जिसके साथ जॉन नाम का लड़का फ्लर्ट कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, जैसे मैं लोगों की परवाह करता हूँ वैसे तुम भी करती हो। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है, जो ईव को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद जॉन जैक से कहता है कि तुम्हें पूरी तरह से रिलैक्स होना होगा, तभी ईव तुम्हारे साथ जाएगी। और क्योंकि जॉन बार बार इस बात को रिपीट कर रहा था, इसलिए जैक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से ईव जैक पर गुस्सा हो जाती है। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसके पेट से कुछ टेंटिकल जैसी चीज बाहर निकलती है। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस चीज को वो सीजर से काट देता है। इसके बाद वो खाना खाने के लिए फ्रिज के पास पहुंचता है, तभी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो खाने के लिए अपने डॉग का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर जैक अपने थेरापिस्ट यानी कि डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और फिर डॉक्टर जैक को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। हालांकि पहले तो जैक इस बारे में बात करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर जब डॉक्टर उसे बताता है कि हो सकता है कि तुम्हें इस चीज से कोई हेल्प मिल सके, तो जैक उसे बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मेरी फैमिली मारी गई तब मैं कुछ नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया था, जबकि मुझे रुककर उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए था। जिस पर वो डॉक्टर उसे समझाता है कि इसी वजह से तुम इतने गुस्से में रहते हो और खुद से नफरत करते हो और तुम्हें खुद को माफ करना होगा, क्योंकि उस दौरान तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर जैक उस हार्डवेयर के ओनर हावर्ड के पास पहुँचता है और उससे वो वॉल्व मांगता है, जिस पर वो फिर से उसे समझाता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और उस घर की कहानी बताते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तब अंकल एमेट
उस घर में रहते थे जो हमेशा रिसर्च किया करते थे और उन्हें अलग अलग जगह से चीजें इकट्ठा करने का शौक था। इसलिए वो जापान से एक काला दिल लेकर आए थे जिसे एक बॉक्स में बंद करके रखा गया था। लेकिन हावर्ड उस दिल को देखना चाहता था, तभी वो बॉक्स उसके हाथों से गिर जाता है और उसमें क्रैक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अंकल एमेट आकर उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्टोर रूम में आने से मना किया था, इसीलिए तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। जिसके बाद उस बॉक्स से अजीब सा धुआं निकलने लगता है जो एमेट के अंदर चला जाता है, जिससे वो भी प्रोफेसर की तरह दिल खा जाता है। जिसके बाद वो किसी जानवर की तरह लगातार खाने लगता है, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती है। फिर जब अगले दिन हावर्ड जागता है तो वो देखता है कि उसके अंकल अपने डॉग को अजीब सी तरह से नोच नोच कर खा रहे थे। इसलिए वो डरते हुए उसके पास पहुंचता है और वो उसके हाथ को भी खा जाते हैं। इसलिए हावर्ड अपने अंकल को शॉटगन से शूट करके मार देता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद वो उसकी बॉडी और दिल को बॉक्स के अंदर डालकर घर के पीछे दफना देता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर को जो बॉक्स मिला था वो हावर्ड का दफनाया बॉक्स था। लेकिन जैक को ये सारी चीजें सिर्फ झूठ लगती थी, इसीलिए वो वॉल्व लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर स्कूल पहुँचने के बाद वो ईव को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि तुम कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर जब वो लोग क्लास में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर सो रहे थे। फिर जब वो उठते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए एक लड़की उसके पास जाती है। तभी प्रोफेसर उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर सभी बच्चे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय प्रोफेसर एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी मदद से वो जैक और उसके क्लासमेट पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैक समय पर दरवाजा बंद करके बच जाता है, लेकिन वो टेंटिकल जोन पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ साथ बाकी क्लासमेट को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर, जो कि अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुका था, वो जोन के मुंह में एक अजीब सा टेंटिकल डालकर उसे भी मॉन्स्टर बना देता है। जिसके बाद जोन भी बचे हुए लोगों पर अटैक करते हुए जैक के पास पहुंच जाता है और उसे देखकर ईव वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके साथ मौजूद दूसरी लड़की को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। हालांकि जैक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहता है। फिर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उस लड़की को पूरी तरह से खा जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर भी बाकी लोगों को एक एक करके मॉन्स्टर बना रहा था और उन्हें बचे हुए स्टूडेंट को पकड़ने के लिए भेजता है। फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो ईव को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे मार पाता, जैक वहां पर पहुंचकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और ईव को बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगती है और क्योंकि स्कूल का दरवाजा बंद था इसलिए वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन बाहर मौजूद एक आदमी उस दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उस आदमी पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से खाने लगती है, जहां से मौका पाकर जैक और ईव वहां से बाहर आ जाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैक कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि बचपन में भी वो अपनी फैमिली को इसी तरह से छोड़कर भाग गया था, जिससे उसकी पूरी की पूरी फैमिली मारी गई थी। हालांकि इस दौरान ईव उसके गाड़ी रोकने की वजह से गुस्सा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इसीलिए जैक उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और अपने क्लासमेट को बचाने के लिए वापस स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि मॉन्स्टर लोगों को नोच नोच कर खा रहे थे और जब वो जैक को देखते हैं तो वो उस पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जैक उसका बहुत ही बहादुरी से सामना करने लगता है और उसे मारकर घायल कर देता है। इसके बाद जैक अपने पास मौजूद रोड से अटैक करके उनमें से एक मॉन्स्टर को मार देता है और एक दूसरे मॉन्स्टर को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने के बाद उसे चाकू मारकर अटैक करके मार देता है। इधर जब प्रोफेसर को भूख लगती है तो वो पकड़े हुए स्टूडेंट में से एक को पकड़कर खा जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद बाकी स्टूडेंट भी घबरा जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। जैक उसका सामना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो जैक को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। इस दौरान वो मॉन्स्टर उसे भी काट लेता है। फिर जैक उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे भी मार देता है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर प्रोफेसर के पास पहुंचता है और एक एक करके उसके टेंटिकल को काटकर वहां पर मौजूद स्टूडेंट को आजाद करवा देता है। इसके बाद वो प्रोफेसर उस पर भी अटैक कर देता है। तभी जैक उस पर भी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। उसी समय प्रोफेसर को बचाने के लिए वहां पर एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो जैक को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है, लेकिन जैक भी उसका बहादुरी से सामना करता है और उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। तभी जैक की नजर वहां पर रखे एसिड पर पड़ती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रोफेसर उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है, लेकिन वो एसिड जैक के हाथ लग गया होता है, जिसे वो प्रोफेसर के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे उसका सर देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है। इसके बावजूद भी प्रोफेसर के टेंटिकल जैक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो उस टेंटिकल पर कुल्हाड़ी से अटैक करके काट देता है। इसके बाद वो प्रोफेसर के दिल पर अटैक करके उसे भी मार देता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट की जान बच जाती है। इसके बाद जैक जंगल में पहुंचकर उस मॉन्स्टर को भी मार देता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अफ्रीका में मौजूद कबीले के लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने जिस लीडर को बुला रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है, जो मॉन्स्टर का सामना करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी
मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।